मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेल ये सारे। मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेल ये सारे। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, खेल के पीछे क्या है देखते हैं। सो समझ सके हर चीज को हम बेहतर, खेलो सीखो ढूंढो। अस्सलामुअलैकुम ख्वातीनो हज़रात, मैं आपकी मेज़बान रिबेका अब्दुल फन फैक्टर के एक और बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, आप ये जो सोचते हैं ना कि ये वाला काम हम कर सकते हैं, ये वाला खेल तो बड़े खेलते हैं, अच्छा ये वाला खेल बच्चों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। फ़न फैक्टर का मकसद ही ये है कि आपको बताया जाए कि आप हर तरह का खेल खेल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लेज़ी हो जाते हैं या अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर लेते हैं कि ये वाली चीज़ें तो मुझसे नहीं होंगी। ख़ास तौर पर बड़े जो हमें सुन रहे हैं, बच्चों को हर एक्टिविटी में जो है वो हिस्सा डालने दें, उनको कहें कि वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आज जलाल हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हमें लेकर आए हैं जिमनास्टिक की कुछ एक्सरसाइजेज और वो सारी ट्रेनिंग दिलवाने के लिए। जलाल, वेलकम टू फन फैक्टर, और आज आप हमें यहाँ पर लाकर क्या सिखाएंगे? सरप्राइज सरप्राइज लाइक ऑलवेज, क्योंकि फन फैक्टर इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस एंड इक्वल राइट टू ऑल स्पोर्ट्स। फिटनेस का अगर हम रिलेट करते हैं वो है जिमनास्टिक। बिल्कुल ठीक कहा आपने जलाल, बच्चों को हम लिए चलते हैं। बच्चे रेडी है? एक्साइटमेंट नहीं है? ऊंचा आइए, आप सबको लिए आप तैयार हैं भाई? लेट्स गो, आ जाएं। आइए जी, खेलो सीखो ढूंढो। जिमनास्टिक विद मुदस्सर साहब। मुदस्सर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, गुड टू सी यू। मुदस्सर, कैसे ये ख्याल आया कि इतनी माशाल्लाह से आपकी टीम है, जिस तरह अभी हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उसको लीड करना ऑफ कोर्स आपके लिए बड़े फख्र की बात होगी, लेकिन ये मुश्किल टास्क है या आप आराम से कर लेते हैं? देखिए, शुरू में वैसे मुश्किल था, और जैसे जैसे हमारे पास जो सीनियर बच्चे बनते हैं, जिस तरह ये बच्ची है, छोटी बच्ची है माशाल्लाह, ये अपने वेट में चैंपियन है, राहुलपिंडी चैंपियन है जिमनास्टिक में भी और इस तरह हंगेरियन फाइट्स में भी, तो शुरू में तो उससे ज़्यादा टफ लग रहा था। और अब तो माशाल्लाह एक ऐसा मुझे लग रहा है कि जिस तरह मेरे ये सारे मेरे फैमिली खड़ी हुई है, तो जो जो मैं इनको कहता हूँ ये इजीली कर लेते। मुझे खुशी ये होती है कि आपने मेहनत बहुत किया है और बच्चे आ रहा आप बिस्मिल्लाह करें, जरा हम भी देखें, व्यूअर्स भी देखें। महक शाह, आप लोग को जो बीम के जो परफॉर्मेंस, जो बेसिक परफॉर्मेंस होती है, वो अब आप लोग को शो करेंगे। जी बेटा, ओके गाइस, क्लैपिंग फॉर महक। ओके, स्टार्ट करें, चले अमेजिंग।
वेल कटवील ओके बैलेंस बैक समरसॉल्ट फेस टू साइड करें फेस टू साइड करें ओके बैक अप ओके बच्ची का जो ये अभी फर्स्ट टाइम मतलब ये परफॉर्मेंस करे और इंशाल्लाह इसी बच्ची को हम जो बाकी भी जो हमारे गर्ल्स हैं जो हमारे छोटे किड्स हैं जो बॉयज हैं उनको इंशाल्लाह हम ट्रेन करके एक नेशनल और ओलंपिक लेवल तक जाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सर ऑफ कोर्स क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि जो टीचर होता है जो उस्ताद होता है उसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि वही बच्चों को कॉन्फिडेंस देता है। और महक वी विश यू ऑल द गुड लक क्योंकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और अभी आप हमें क्या करके दिखा रही हैं? कर रही थी ना मुझे नजर आ रहा था मुदस्सर कर रहा है क्योंकि उस्ताद की मेहनत उसके पीछे होती है। बिल्कुल अब नेक्स्ट क्या दिखाएंगे? ये हमारे बुशरा अख्तर जो है ये किक बॉक्सिंग में भी माशाल्लाह इंटरनेशनल गोल्ड हो चुकी है। आपसे बहुत मेहनत है। हाँ बिल्कुल ईरान में माशाल्लाह इसने गोल्ड उठाया था लास्ट टाइम। और ये भी जिमनास्टर फीमेल में जो सीनियर जिमनास्ट है वो ये बची है जो बैक टिप तक जा चुकी है बैक समसार तक जा चुकी है। जो भी चीज़ करते हैं मुल्क का नाम रोशन करते हैं नेशनल लेवल मेन रीज़न हम इधर हैं। थैंक यू। चल बेटा ये सेम परफॉर्मेंस आपको शो करेंगे ओके ओके कटवील कटवील बैलेंस ओके सामने फ्रंट बैक समरसॉल्ट साइड ओके अप ओके या फर्स्ट टाइम जो बच्चे हैं हमारे जो बीन पे अभी इसको हम लेकर आ रहे हैं नए शुरू किए अभी तकरीबन 1 मंथ हो गया कि हमारे पास इक्विपमेंट आई है और इस पर बच्चों को हमें परफॉर्मेंस स्टार्ट किया और रावलपिंडी इस्लामाबाद में फर्स्ट टाइम ये इक्विपमेंट हमारे पास आई है क्योंकि बच्चों को इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान में भी आगे निकाला। ये मुझे पता है कि इन सब चीज़ों के बगैर जो आपने परफॉर्म किया है ना वो आप शो करें वो अभी आप जी अब आप क्या दिखाने चाह रहे हैं? ये बच्चा जो है ये इसको क्या कहते हैं ये जो बच्चा कर रहा है इस वक्त? इसको पिरामिड्स गेम कहा जाता है जो किड्स कर रहे होते हैं इसको जिमनास्टिक पिरामिड्स कहते हैं जिसको स्टेज स्विमिंग भी कहा जाता है और मैट जिमनास्टिक भी कहा जाता है जो बेसिक में आते हैं। अभी जो लॉन्ग जिमनास्टिक है हमारे वो आपको शो कर रहे हैं ढूंढो फन फैक्टर
अब आप क्या दिखा रहे हैं जी? सर ये हमारा जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है, मतलब कि जैसे मैंने पहले बताया कि 6 इवेंट्स होते हैं, 6 इवेंट, तीसरा इवेंट ये भी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान में जो ज़्यादातर खेले जाते हैं वो फ्लोर गेम, क्वाल्टिंग टेबल बार वगैरह और पैरेलल बार वगैरह, उसके बाद फिर बीम, मतलब कि फीमेल का फिर मतलब कि आता है, पर 3 इवेंट पे ज़्यादा। अभी आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? अब यहाँ पर हम वॉल्टिंग के ऊपर, टेबल के ऊपर जो बेसिक है, क्योंकि हमारे पास अभी नींव आई है, जो बच्चों ने जो बेसिक की हुई है अब वो हम जी ज़रूर। चलें जी, देखते हैं कि मुदस्सर खुद जो है वो क्या परफॉर्म करके हमें दिखाने वाले हैं। हर इवेंट्स के हमारे इसमें अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद फिर स्प्रिंग बोर्ड के गेम आते हैं, जस्ट स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर फ्रंट समरसॉल्ट, बैक समरसॉल्ट, वॉल विदाउट हैंड कार्ट व्हील, ये सारा कुछ की जाती है। जी मुदस्सर साहब, एज यूजुअल मैं और रुबैका जानना चाहेंगे कि अब नेक्स्ट क्या चीज़ है आप? नेक्स्ट स्प्रिंग बोर्ड के जो गेम होते हैं, जस्ट जो स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर से डबलिंग की जाती है, फ्रंट की जाती है, वॉल की जाती है, विदाउट हैंड कार्ट व्हील की जाती है, अब वो परफॉर्मेंस आप वो स्प्रिंग बोर्ड जी उस स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर, उस पर स्प्रिंग लगे होते हैं और आगे जो मैट्स है उसको जिमनास्टिक इक्विपमेंट मैट कहा जाता है, उसके ऊपर परफॉर्मेंस आप शो करेंगे आपको, क्योंकि हमारे इसमें बेसिक बच्चे भी हैं और थोड़े सीनियर बच्चे भी हैं, वो परफॉर्मेंस शो करेंगे। ओके, फर्स्ट अब मुदस्सर जो हैं वो यहाँ से जंप करके हमें दिखाएंगे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर, सर मज़ा आ गया सर, आपने दिल खुश कर दिया सर। मुदस्सर वेरी वेरी नाइस, एंड ऑफ कोर्स हमारी टीम और ये सब बच्चे जो आपके स्टूडेंट्स हैं, ये आप पर बहुत फख्र महसूस करते हैं क्योंकि आप खुद इतना अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। जी मुदस्सर साहब, हम जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जिमनास्टिक के फ़वाद क्या है और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। जिमनास्टिक को दुनिया बल्कि ओलंपिक्स में इसको धीमा गेम कहा गया, मतलब तमाम खेलों का माँ कहा गया। उसका वजह ये है कि जिमनास्टिक वाहिद एक ऐसा चीज़ है कि इसके अंदर आप जो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बन जाते हैं, स्ट्रेचेबल बन जाते हैं, तो आपको दुनिया का कोई भी स्टाइल हो, कोई भी मार्शल आर्ट्स हो, कोई भी गेम हो, वो आपसे इजीली हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर जो बाहर की कंट्रीज़ में भी जिमनास्टिक को तमाम खेल के साथ टच लाजमी रखते हैं ताकि बच्चों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है और बॉडी स्ट्रेच हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट कि आपके पास ज़्यादातर छोटे बच्चे थे, 3 साल 5 साल 7 साल, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बच्चों के हवाले से इसमें क्या बेनिफिट्स हैं उनके लिए? देखिए, बच्चों के हवाले से ये बेनिफिट्स है कि अक्सर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि उनकी हाइट ऊपर नहीं जाती है। सबसे मेन जो मैं आपको बेनिफिट बताऊं जिमनास्टिक के लिहाज से, उनकी हाइट अक्सर वही के वही रुक जाते हैं, तो फिर डॉक्टर्स भी उनको कहते हैं और पेरेंट्स भी उनको यही प्रेफर करते हैं कि इनको जिमनास्टिक में डाला जाए। जिमनास्टिक में ये होता है कि जैसे जैसे आप पैरामिड्स गेम करते हैं, स्टिचिंग जैसे आप देख लिया बच्चों का, तो उसके साथ ये होता है कि उनकी हाइट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो इसलिए बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं तो व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि आजकल अगर माहौल को और हालात को देखा जाए तो बीमारियाँ बहुत जल्दी तेज़ी के साथ फैल रही हैं, ठीक है। तो अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि इनको कई बच्चों को शुगर का मरीज़ होता है, कोई बच्चा जो ब्लड प्रेशर का शिकार होता है, कोई जिसको अस्थमा का बीमारी कहा जाता है, कोई आईज़ का वीकनेस होते हैं मोबाइल स्टेप्स वगैरह यूज़ करने की वजह से।
तो फिर मैं उनको खास कर ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को इस एक्टिविटी स्पाजिट एक्टिविटी में डालें, जिमनास्टिक में डालें, मार्शल आर्ट्स में डालें, कोई भी स्पोर्ट्स अदर स्पोर्ट्स में आप डाल सकते हैं ताकि बच्चे उन एक्टिविटीज़ से निकल कर एक पॉजिटिव एक्टिविटी में आ जाए। इतनी अच्छी बातें की हैं और ख़ासतौर पर इसके बेनिफिट्स, वो इसलिए कि एक प्रोफेशनल जब बताता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं तो बड़ा ऑथेंटिक होता है, क्योंकि उसका काम ही है, प्रोफेशन ही है। तो मुदस्सर साहब ने हमें बड़ी क्वालिटी की चीज़ें बताई हैं, हमें बेनिफिट्स बताएँ, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फन फैक्टर की तरफ से, ऑल द बेस्ट। और जी वक्त है आपसे इजाज़त का, क्योंकि हो चुका है आज का एपिसोड कंप्लीट, और यकीनन ये एपिसोड जो था वो फन से भरा हुआ था, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। नॉर्मली हम जब एपिसोड करने आते हैं फन फैक्टर का तो किड्स बहुत एक्साइटेड होते हैं कि कुछ चीज़ें वो खुद भी करेंगे, लेकिन आज मैंने देखा कि आज फन फैक्टर किड्स जो हैं वो बहुत एक्साइटेड थे। ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए थे कि आज उन्होंने बहुत मुश्किल आर्ट को सीखा। जिमनास्टिक जो है वो यकीनन सीखकर ही परफॉर्म करना चाहिए, और हम इसी चीज़ को जो है प्रमोट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपका दिल चाह रहा है तो इधर हाथ कर लिया तो उधर जंप कर लिया, ऐसा नहीं करना है। बाकायदा तौर पर आपके पास इंस्ट्रक्टर या टीचर मौजूद होना चाहिए जो आपकी हेल्प करेगा। आप मुझे बताएं जलाल, आज के एपिसोड में आपको मज़ा आया? मज़ा इसलिए आया कि मैं बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जिमनास्टिक को एक्सपोज करूं, और ख़ासतौर पर इतनी अच्छी टीम और आप एज अ होस्ट, और जिमनास्टिक एक ख़ासतौर पर इस अंगार जिमनास्टिक मुदस्सर को, क्योंकि ही डिज़र्व्स, इन्हें बहुत मेहनत किया हुआ है और बहुत अरसे से कर रहे हैं, और इस प्लेजर के पीटीवी होम ने कवर किया, और ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, और इनके डिस्टिंक्शंस हैं नेशनल इंटरनेशनल। बिल्कुल ऐसे ही। सो अब है जनाब आपसे इजाजत का वक्त, इंशाल्लाह होगी आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। हम हैं खिलाड़ी हर मैदान में, जीतेंगे हम हर इम्तिहान में, थकना नहीं रुकना नहीं किसी खौफ से, झुकना नहीं थकना नहीं रुकना नहीं किसी खौफ से, झुकना नहीं। Let us find our character. खेलो सीखो ढूंढो fun factor, fun factor, fun factor. खेलो सीखो ढूंढो।